नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे संतरे की उन्नत फार्मिंग के बारे में, ऑरेंज फार्मिंग। किसान भाइयों, संतरे को लगाने का उचित समय कौन सा है और उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, लगाने का अनुकूल समय कौन सा है, प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, कीट एवं बीमारियां कौन सी आती हैं और उनका रोकथाम कैसे करना है, स्प्रे शेड्यूल क्या है, खाद कौन सी देना है और किस समय देना चाहिए, इनके बारे में संपूर्ण ए टू जेड जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, यदि आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो कोई जानकारी पूरी नहीं मिलेगी और अधूरी रह जाएगी, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो संतरे की खेती यदि आप कर रहे हैं तो लगाने का जो अनुकूल समय है वो जुलाई से अगस्त अनुकूल समय होता है। इस समय आपको प्लांटेशन करना चाहिए किसान भाइयों, पौधरोपण करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों जलवायु एवं तापमान की। तो संतरा ठंडे नम आर्द्र जलवायु की फसल है, तापमान न्यूनतम 15 से 16 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। भूमि एवं खेत की तैयारी की बात करें तो उस मिट्टी का चुनाव करें जिसका पीएच मान 5 से 7.5 हो। काली दोमट मिट्टी, पीली भूमि और सैंडी सॉइल, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी संतरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जुताई की बात करें किसान भाई तो 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर से सामान्य जुताई करना है, उसके बाद रोटावेटर से आपको मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद फिर आपको तार फेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिस खेत में आप प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जानवरों की समस्या बनी रहती है, इसलिए तार फेंसिंग होना जरूरी है। उन्नतशील किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप इन किस्मों को लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वैसे तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं लेकिन इनमें से कुछ टॉप 5 वैरायटी आपको हम बताने वाले हैं, जैसे नागपुरी संतरा है और वाशिंगटन नेवल संतरा, कुर्ग सिक्किम संतरा और किन्नो नागपुरी सीडलेस संतरा। इन वैरायटियों का आप चुनाव करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है किसान भाइयों। यदि आप संतरे की खेती कर रहे हैं तो आपको बेड विधि से ही खेती करना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, तो बेड विधि से करेंगे तो पानी भरने की समस्या नहीं होती। बेड से बेड की दूरी 15 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। 1 एकड़ में 180 से 200 पौधे की ज़रूरत पड़ती है, इतने पौधे पर्याप्त होते हैं किसान भाइयों। और यदि आप संतरे का प्लांटेशन करते हैं तो उसमें प्लांट डिस्टेंस बहुत मायने रखती है, तो लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 फीट और गड्ढे की जो गहराई है वो 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। ये हो गई प्लांट डिस्टेंस की बात। इस दूरी पे यदि लगाएंगे तो बीमारियों की समस्या कम आती है, स्प्रे करने में आसानी होती है। बेसल डोज के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, डीएपी 30 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रयोग करना चाहिए। रिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम दीमक को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं पौधरोपण के समय किसान भाइयों। अब बात करते हैं पौधरोपण, 1x1 गहराई का गड्ढा खोदकर और एक एक पौधे को आपको सिंगल लाइन में पौधरोपण करना है और 15 दिनों के लिए गड्ढे को तेज धूप में छोड़ देना चाहिए जिससे फंगस की समस्या कम हो सके। और पौधरोपण एकदम सीधा करना चाहिए और पौधरोपण शाम के समय करना चाहिए किसान भाइयों। पौधरोपण के बाद सिंचाई कर देना चाहिए। नर्सरी तैयार की बात करें तो आप ग्राफ्टेड पौधे तैयार भी कर सकते हैं या फिर 50 से 60 रुपये प्रति पौधा किसी उन्नतशील नर्सरी से खरीद कर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन करने के लिए आप नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से पौधे खरीद सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो 20 mm की बटन वाली ड्रिप आपको लगानी है। सिंचाई 3-3 दिनों के अंतराल पर ड्रिप से और फ्लड इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। वहीं किसान भाइयों हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार आप निराई गुड़ाई करके ही करें, दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, भिंडी, बरबटी, आलू आदि की फसल से आप अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं जब तक आपके संतरे के पौधे में फल नहीं आते हैं किसान भाइयों। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों प्रूनिंग के समय जो टहनियां निकलती है उसका चूर्ण बनाकर आप इस प्रकार से पौधे में डाल सकते हैं जिससे पौधे में खरपतवार उगने की समस्या ही नहीं होती, आप जैसा वीडियो में देख रहे होंगे।
किसान भाइयों, संतरे की फसल को एकदम साफ सुथरा रखना है, जिससे हमारे पौधे में बीमारियों एवं कीट की समस्या कम आती है। अनुकूल राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल के साथ साथ हरियाणा में आमतौर पर संतरे की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में नागपुर का जो एरिया है उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में संतरे की खेती की जाती है। खाद शेड्यूल के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो जैविक तरीके से यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप केंचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट और इसके अलावा खलियां हैं, खलियों को प्रयोग कर सकते हैं, जीवामृत, बीजामृत इनका प्रयोग कर सकते हैं। कीटों को कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का उपयोग आप कर सकते हैं। अब शेड्यूल की बात करें तो जब हमारी फसल फर्स्ट खाद 2 से 3 माह के मध्य की हो जाती है तो वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 4 से 5 माह के मध्य, यूरिया 25 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, खादों को देने से पहले खेत की निराई गुड़ाई करने के बाद 2 से 3 दिनों के लिए तेज धूप में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें खादों को देना चाहिए पौधे में। लेकिन किसान भाइयों, संतरे की फसल में अच्छी फ्रूटिंग एवं फ्लावरिंग के लिए इस खाद का प्रयोग आपको फ्लावरिंग के 15 दिन पहले जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि इस खाद का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने वाली है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको यूरिया खाद 40 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम, बायोजाइम 10 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। अब जड़ों के पास मतलब बिल्कुल जड़ों में नहीं, 4 से 5 इंच की दूरी पर देना है किसान भाइयों। तो यदि इसका आप उपयोग कर देंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है किसान भाइयों। कीट नियंत्रण के बारे में बात करें तो प्रमुख रूप से लेमन की फसल में, संतरे की फसल में लेमन बटरफ्लाई आती है और एफिड, जेसिड, मैगट्स और लीप माइनर का प्रकोप देखने को मिलता है, बार्किटिंग कैटरपिलर का प्रकोप देखने को मिलता है और फ्रूट फ्लाई का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इनके कंट्रोल के लिए 1 से 2 माह के मध्य नीम ऑयल 25 ml 15 लीटर की दर से, सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य सिंजेंटा की 1 तारा 10 ग्राम और धानुका की कोनिका या फंजीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। वहीं फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे आपको बायर की प्लानोफिक्स 5 ml, सिंजेंटा की एमिस्टा टॉप 20 ml और बायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। और इस प्रकार से आप स्प्रे करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। संतरे की फसल में प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा पौधा लगभग 1 साल का हो जाता है तो वो लंबाई में सीधा बढ़ जाता है, चौड़ाई उसकी कम होती है, शाखाएँ कम निकलती हैं, तो इसलिए हमें टॉप वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलें और फलों की जो संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि यदि हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो पौधे की लंबाई है सीधा पौधा बढ़ता जाएगा, बल्कि उसमें शाखाओं की संख्या नहीं आएगी, ज़्यादा शाखाएँ नहीं होंगी तो ज़्यादा फल नहीं मिलेंगे और हमारा उत्पादन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप टॉप वर्किंग कर देंगे तो निश्चित तौर से आपका जो पौधा है वो चौड़ाई में बढ़ेगा, ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी तो ज़्यादा आपका उत्पादन भी मिलेगा। इसके अलावा यदि आप फ्रूट क्वालिटी अच्छी चाहते हैं और बाजार भाव अच्छा मिले तो इसके लिए आप संतरे की फसल में क्रॉप कवर को भी लगा सकते हैं। अब क्रॉप कवर किसान भाइयों, संतरे में प्लास्टिक के भी आते हैं, कागज़ के भी आते हैं और इसके अलावा आजकल कपड़े के भी क्रॉप कवर आते हैं, इससे आपकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी रहेगी और जो इसमें फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है वो भी नहीं होगा और हमारे फलों की क्वालिटी अच्छी होगी, तो बाज़ार में डिमांड ज़्यादा होती है किसान भाइयों, रेट अच्छे मिलते हैं। तो औसत बाज़ार भाव की बात करें यदि तो संतरे की हमें औसत बाज़ार भाव 25 से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलते हैं और वहीं इसकी जो 1.5 वर्ष की, जब 1 से 1.5 साल की जब फसल होती है तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमें मिलना शुरू हो जाती है। और लाइफ साइकिल की बात करें तो बहुवर्षीय फसल है संतरा, इससे कई वर्षों तक फल प्राप्त होते रहते हैं किसान भाइयों। और यदि हमने प्रॉपर मात्रा में इसको केयर किया है, मेंटेन किया है,
तो 3 साल का जब पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है तो 100 किलोग्राम एक फल पौधे से हमें फल मिलते हैं। 200 पौधे हमने एक एकड़ में लगाए थे तो 20,000 किलोग्राम हमारा उत्पादन एक एकड़ से मिलता है। तो इस प्रकार हमें 200 क्विंटल प्रति एकड़ संतरे की फसल से उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। अब यदि हमने प्रॉपर उसकी केयर की है और इंसेक्टिसाइड कीट कंट्रोल और बीमारियों को कंट्रोल किया है तो इतना मुनाफा उत्पादन हमें मिल जाता है। लागत की बात करें यदि किसान भाइयों तो संतरे की फसल में 55,000 से 60,000 रुपये प्रति एकड़ हमें लागत लगती है। मुनाफा के ऊपर बात करें किसान भाइयों तो एक एकड़ से हमें 100 किलोग्राम पौधे फल मिले थे और 25 का रेट मिला तो एक कुंटल 2500 का हुआ, तो 2500 इंटू एक एकड़ से 180 कुंटल मान लेते हैं 200 की बजाय, तो 4,50,000 रुपये का हमारा टोटल हुआ। तो 4,50,000 में मुनाफा में से लागत 60,000 घटा देंगे तो 3,90,000 रुपये हमें एक एकड़ से शुद्ध मुनाफा मिल जाता है किसान भाइयों। तो संतरे की खेती से किसान भाइयों आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें ज़्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है और इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप सब्जियां लगाकर अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। यदि आप जैविक में खेती कर रहे हैं तो आप जीवामृत, बर्मी कंपोस्ट, बीजामृत और गोबर की खाद, इन नीम ऑयल, इनका स्प्रे करके आप जैविक तरीके से आप संतरा की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संतरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। किसान भाइयों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान,